तो भाई आज हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं एसपी मोमोज, जो है कहाँ है, मुखर्जी नगर में है, जीटीबी नगर, मतलब जीटीबी नगर बोल चुका, उसके पास है, वहाँ पे जा रहे हैं आज हम। और आज हम देखना चाह रहे हैं कि उनके मोमोज कैसे हैं, क्योंकि वो दो लड़कियां हैं, दो बहनें हैं जो भी है, जो मोमोज का स्टार्टअप, उनका स्टार्टअप ही था वो, स्टार्टअप था, तो वो प्रॉपर वो मेन, इसलिए वो भी इसलिए वायरल हुई है क्योंकि जैसे चंद्रिका दीक्षित हुई है वायरल, वो इसलिए ही वायरल हुई है क्योंकि लड़कियां हैं, इसलिए चलो भैया। हाँ लड़कियां हैं, ये तो है। वैसे ना मैंने ये चीज नोटिस करी कि लड़कियां बहुत ही ज्यादा जल्दी वायरल हो जाती है यार, क्योंकि भाई लड़के मेन क्या देखने जाते हैं, लड़की और वो जब वही दे रही है खाना, तो इसलिए लोग पागलों की तरह जा रहे थे और अभी भी जा रहे हैं। अब हमारे को मेन तो ये देखना ना कि खाना कैसे है, खाना कैसा है, मतलब वो अच्छा है नहीं है, या एवरेज है। हम उसके ऊपर नहीं जा रहे कि भाई है वहाँ पे लड़कियां हैं तो हम देखने जा रहे हैं, नहीं हम क्यों जाएंगे लड़कियां देखने, वो वैसे मतलब यार कि कैसे बोलूं, समझ में नहीं आई बात, मुंह से बोल दे बहुत इजी रहेगा। अच्छा हमको सिखा रही है, नहीं मेरा तो मुंह ही है ना। एक्चुअली हम जैसे बहुत सारे मोमोज वेंडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोमोज की कार्ड लगाते हैं, और उनसे भी ज्यादा अच्छा अच्छा सेल कर रहे होंगे, पर ये है मेनली अभी वही काफी टाइम से वायरल चल रही है और रेगुलर बेसिस पे चल रही है। वड़ा पाव वाली तो चली गई बिग बॉस ओटीटी में, आज या कल उसका एपिसोड आएगा, बढ़िया देखेंगे। तो अब हम जा रहे हैं एसपी मोमोज एंड फिर हम वहाँ पे जाके उनका रिव्यू, अपना रिव्यू देंगे, खाना टेस्ट करेंगे कि क्या है। और एक वहाँ पे ना नॉन वेज नहीं मिलता, सिर्फ वेज और पनीर ही मिलेगा, बाकी मुझे नहीं पता, वहाँ जाके देखेंगे। ओके गाइस, तो हम पहुंचने वाले हैं एसपी मोमोज। तो ये ना एक कॉलोनी को पार करके आएगा, एक ना झील भी आई थी बड़ी प्यारी सी, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो मेरे से गलती हो गई, बट ये थोड़ा अंदर अंदर जाके आपको मिलेगा, तो आराम से आपको देख के जाना पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं एसपी मोमोज और यहाँ पे ना दोनों बहनें नहीं है, मतलब दो लड़के हैं यहाँ पे जो आए गए, इनका कार्ट वाट संभालते होंगे। अर्शु सो सैड यार, इतनी दूर से आने का वो खत्म हो गया मेरा, देख रहे इसको बदतमीज। ओके गाइस, तो हम आ गए एसपी मोमोज और ये है इनका मेन्यू, जिसमें पनीर की और मैगी भी है इवन। यहाँ पे ये है एसपी, ये इनकी कार्ट है, अच्छी बना रखी है इन्होंने कार्ट अपनी, वैसे एक बढ़िया लोकेशन पे है, अच्छा है एनवायरनमेंट, हाइजीनिक थोड़ा सा लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा सच्ची में। तो यहाँ पे एक लड़का है और ये एक लड़की है, आई थिंक ये लुक आफ्टर करते होंगे इनकी कार्ट को। तो हमने तो अपना ऑर्डर दे दिया है, तो ये हमने हाफ स्टीम पनीर मोमोज लिए हैं, जिसके साथ हमें दो चटनी मिली है एंड मेयोनीज भी मिली हुई है। तो गाइज ये है हमारे हाफ पनीर मोमोज स्टीम, जिसके साथ हमें मिली है दो चटनी एंड मेयोनीज। तो ना एक ना गड़बड़ थी वहाँ पे कि ना, मतलब 5 बजे वैसे आउटलेट स्टार्ट हो जाता है, पर आज मतलब यहाँ पे पता नहीं ऑयल में उनका पानी वानी गिर गया था, तो अभी चीजें हुई नहीं है। पर हर्षु स्टार्ट कर रहे हैं पनीर स्टीम से, कैसे हैं? आज ही बताना है। देखो नॉर्मल एक चीज बताऊं, फिर ने स्पेशल बोल रहे हैं ना लोग, उनका एसपी नहीं। अगर इससे बढ़िया आपको मैं बताऊं, तो मेरे घर के बाहर है, मेरे एकदम घर के बाहर है मोमोज वाला, पनीर मोमोज वाला। वो इसके ना देखो मतलब इतनी वो भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है अंदर, और जो बाहर का मैदा है ना कुक नहीं है अच्छे से, स्टीम नहीं हो रखा है, वो पसंद नहीं आया मुझे बिल्कुल नहीं। मैं डिसअपॉइंटेड हूं बहुत, मैं खुद बहुत ज्यादा हूं भाई। मेरा तो ऑनेस्ट रिव्यू है पनीर स्टीम मोमोज का कि मेरे को नहीं पसंद है, पनीर अंदर अच्छी कोई फीलिंग नहीं है, बाहर की जो ये लेयर है ना बिल्कुल कच्ची है, एकदम कच्चा मैदा है बिल्कुल, क्योंकि वो स्टीम नहीं हो पाया अभी अच्छे से। अरे तो देख के तो देना चाहिए कि हो गया स्टीम नहीं हुआ। और मैं सच बताऊं, ये चटनी पता नहीं कौन सी है, ऑरेंज वाली, मेरे को नहीं पता, पीनट, ठीक है। गाइस लिटरली हमने जो हाफ प्लेट पनीर मोमोज जो अभी करवाए थे, एक तो मैंने आपको बताया उसका जो स्टीम जो मैदा था एकदम कच्चा, कोई फिलिंग नहीं और एकदम बेकार टेस्ट लिटरली, और इतनी देर तक तो हमें वेट करना पड़ गया, और अच्छी बात है वो वेट करना पड़ गया हमें उसके ऑयल आने के लिए, क्योंकि हमने वो कैंसिल करवा दिया कि भाई भैया हमने तो देखो अफगानी मोमोज करवाए थे एक, एक घर के लिए हमने स्टीम पैक करवाने थे, ठीक है, पर हमने वो कराया है कैंसिल, क्योंकि यार देखो साफ सीधी बात, एक तो मैं 20-25 मिनट से खड़ा हूँ वहाँ पे,
मैं वेट नहीं करता इतना। पहली बात उसका तेल नहीं आ रहा था, तेल लेने वाले जा रखा, आधे घंटा उसको हो गया, उससे तेल नहीं आ पा रहा। उसके बाद हमने स्टीम मोमो जब खाए, मैं सीरियसली एक चीज बोल रहा हूँ, इतने वाहियात, इतने गंदे, इतने बेतुके, या कुछ भी बोल लो तुम, हद से ज्यादा टट्टी, मैंने कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया। इतनी दूर आए, इतनी दूर आए हम, और अराउंड ये मान लो मेरे घर से ये जगह कम से कम 30 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर बहुत मायने रखता है, वो भी दिल्ली में, ठीक है। हम इतनी दूर आए हैं और मैं भैया खाना खाने आया था, मतलब ये मान लो मैं, वो बहुत गुस्सा चढ़ा कसम से हमने, इसलिए वो कैंसिल करवा दिया मोमोज की, भाई हमें नहीं खाने। यार इस चीज से हमें पता लग जाता है कि हाँ, अब फालतू में जो चीज हमें नहीं पसंद आ रही वो हम क्यों खाएंगे, क्यों हम अपनी हेल्थ के उसे खिलवाड़ करेंगे। नहीं बेकार बिल्कुल, मतलब मैं सच्ची लेजिट बता रही हूँ, कसम से मेरा पेट अजीब सा दर्द हो रहा है वो मोमोज खाने के बाद, बहुत ही अलग टाइप का पेन हो रहा है मेरे पेट में, और भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो भाई जो वो कहती है ना कि वड़ा पाओ छोड़ो हमारे पास आओ, हम जो टेस्ट दे रहे हैं, हम आए यार वीडियो मत बनाओ पहले तो, ठीक है मजाक बनाने के लिए आ जाओ हमारे इमोशन का, खाली खाली खड़े, जब कस्टमर नहीं है तो खाली खड़े होंगे ना, जो कस्टमर कहाँ है सारे, वड़ा पाओ खा रहे सारे कस्टमर, और तुम भी वहीं से आए हो, ठीक है वीडियो मत बनाओ हमारी, तो क्या बात होगी, मतलब कस्टमर कहाँ है फिर, दिल्ली में जो वड़ा पाओ आजकल वायरल हो रहा है ना उसके पास सारी भीड़ है, तो इतने वायरल है वो भाई, देख खूबसूरती देख के तो हर कोई वायरल हो जाता है, वड़ा पाओ वाली भी इसलिए वायरल हो गई थी भाई, उसका वड़ा पाव भी कुछ नहीं था सच्ची में, हाँ। वो 20 रुपए में मिलने वाला वड़ा पाव 60-60, 50-50, 60-60 रुपए में बिक रही है, कुछ भी नहीं था और लोग पागल हो रखे उसके पीछे। तो भाई देखो मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, मत जाना वहाँ पे, बिल्कुल बेकार है, अपना टाइम वेस्ट करोगे, पैसे वेस्ट करोगे, बेकार, कुछ टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा मूड खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। आई होप आप लोगों को हमारे ये रिव्यू जो है बहुत यूजफुल लगा होगा, आपको समझ में आई होंगी, कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, जितने भी लोगों के पास मेरी ये वीडियो गई है आई होप उनको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।